अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर निर्माण कार्य जारी है। 22 तारीख को रामलला अपने भव्य गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। साथ ही साथ अयोध्या का डेवलपमेंट भी तेजी से हो रहा है। इसको लेकर चाहे किसी भी धर्म मजहब या जात के लोग, सभी में एक अपना अपना मत है, एक उत्साह देखने को मिल रहा है। तो हमारे साथ कुछ अयोध्यावासी हैं, इनसे जानते हैं कि अयोध्या का विकास हो रहा है, मंदिर बन रहा है, तमाम चीजें, तो क्या सोचते हैं? खुशी है और क्या हो रहा है, बढ़िया होना चाहिए और क्या। अयोध्या में मंदिर भी बन रहा है और तमाम विकास हो रहे हैं, वहाँ मस्जिद भी बन रही है और अयोध्या डेवलप कर रही है, तो क्या कहेंगे, कितना उत्साह है? देखिए, अयोध्या है, अयोध्या धर्म की नगरी है, जहाँ विकास होगा और धर्म से जुड़ी हुई अयोध्या है। मंदिर का काम तो हो ही रहा है, पूरा हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं, देश तमाम देश के जो है, देश विदेश के लोग आ रहे हैं। अच्छी बात है, लोगों में खुशी की लहर है। अयोध्या का विकास सबके लिए ज़रूरी था, वो भी जो है पूरा हो चुका है। अयोध्या में हम भी विकास चाहते हैं, लोगों के लिए रोजगार भी चाहते हैं, ये हमारी भी इस बात को लेकर के मतलब खुशी है बहुत ज़्यादा। अयोध्या में सड़कें चौड़ी हो गई, लेकिन अयोध्या में सड़कें चौड़ी होना भी बहुत ज़रूरी था, और जो कुछ भी बची हैं उसका भी काम पूरा हो जाएगा। इसकी मैं बिन तैयार कर रहा हूँ कि जो भी कमियाँ वो पूरी हो जाएँ, अच्छी बात है। बड़ी संख्या में लोग अयोध्या आएंगे तो लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा, किस नज़र से? देखिए, अयोध्या में रोजगार तो बढ़ चुका है। अयोध्या में तमाम दुकानें जो है लगी हुई, आज नए घाट पर चले जाएँ तो दुकानदारी अच्छी हो रही है। अयोध्या में बिजनेस की कोई कमी नहीं है, यात्री इतना ज़्यादा यहाँ आ रहे हैं कि अयोध्या में जो है बिजनेस की खुशी की एक लहर है। अयोध्यावासी जितना कमा रहे हैं, साइड मार्केट फैजाबाद के लोग भी नहीं कमा रहे हैं। बिल्कुल, तो अयोध्या वासियों को या विकास को लेकर, रोजगार को लेकर, खातिर अयोध्या जिस तरीके से डेवलप हो रही है, मंदिर भी बन रहा है और मस्जिद भी बनने वाली है, किस नज़र से देखते हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अयोध्या में विकास हो रहा है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मांग कर रहा हूँ कि अयोध्या में हमारे जैसे भगवान श्री राम की जन्म स्थान है, तो हमारे शीश अलैहि सलाम का भी एक आस्थाना है और तमाम बुजुर्गाने दीन की मजार है, और हमारे मोदी जी का ये कहना है कि सबका साथ सबका विकास। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मांग भी करता हूँ कि जैसे भगवान श्री राम की भव्य राम मंदिर बन रही है, तो हमारी खानगाहें, हमारी जो मस्जिदें हैं, उसको भी अच्छी तरीके से सौंदर्यीकरण किया जाए, उसका भी विकास किया जाए। और मैं साथ में ये भी कहता हूँ कि हम अब अयोध्या वालों को एक खौफ भी ये रहता है कि हमें कब कहाँ से उजाड़ दिया जाए, इस बात का दुख भी है हमें, हम लोगों को भय भी रहता है। हमें मतलब ये है, हिंदू या मुसलमान कोई नहीं, हिंदू मुसलमान दोनों समुदाय का, क्योंकि हम लोग यहाँ नस्ल दर नस्ल रहते चले आ रहे हैं, हम लोग गंगा जमनी तहजीब के तहत रहते चले आ रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि जैसे हम अब तक रहे हैं, आगे भी रहें, कि जो भी मसला था वो फैसला आने के बाद मंदिर निर्माण हो रहा है, तो हम अयोध्या के तमाम हिंदू मुसलमान हम ये चाहते हैं कि हम लोग यहाँ जैसे आप तक रहते आए हैं, आगे भी रहे, हमें उजाड़ा ना जाए। अच्छा, रोजगार को लेकर कितना बढ़ा है और सड़कें चौड़ी हो रही हैं, यातायात सुगम हुआ, बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुँचेंगे, तो जाहिर बात है रोजगार बढ़ेगा, किस नज़र से? नहीं, बेहतर होगा अयोध्या वालों के लिए, और इस पे तमाम अयोध्या वाले अपना जो भी छोटे मोटे पूंजी वाले हैं, सबके व्यवसाय चले, और मैं तो ये चाहता हूँ सबका साथ सबका विकास, सब खुशहाल रहें, अच्छा से अच्छा खाएं पहने, जो एक मानव का वो होता है। बिल्कुल, तो जिस तरीके से अयोध्या डेवलप हो रही है, रोजगार बढ़ रहा है, उसको लेकर यहाँ के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, किस नज़र से देखते हैं? मंदिर भी बन रहा है, तमाम चीज़ें। नहीं, बहुत खासा जो विकास तो जो हो रहा है, रोजगार के नाम पे कोई यहाँ कोई रोजगार है नहीं। क्या चाहते हैं, किस तरीके से रोजगार? अरे, रोजगार ये होना चाहिए कि यहाँ कल फैक्ट्री लगे और भी तमाम चीज़ें हो, ये रिक्शा भी चल रहा है रोड पे, तो उसको भी अब बंद करने के कगार पे है, यहाँ रोजगार है कहाँ? चार रोज यात्री आएंगे, पाँचवें रोज सन्नाटा हो जाता, तो उससे मकसद तो हल नहीं होगा। यानी परमानेंट रोजगार चाहिए? परमानेंट रोजगार चाहिए, और जो अयोध्या और फैजाबाद का जो जूता व्यवसाय था, पूरी तरीके से इनके सरकार आने के बाद ध्वस्त हो गया। आज हम 25 लाख का कारोबार बंद करके आज रिक्शा चलाने पे मजबूर हैं, और आज रिक्शा भी बंद होने के कगार पे है। बिल्कुल, तो जिस तरीके से अयोध्या डेवलप हो रही है, मंदिर बन रहा है, लोगों का रोजगार बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों की ये भी मांग है कि कुछ इस तरह से व्यवस्था की जाए कि यहाँ के लोग का परमानेंट रोजगार चलता रहे। संजीव आज़ाद, न्यूज़ स्टेट, अयोध्या।